बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो समय समय पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार फिर वरुण गांधी अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों को उठाया। वरुण ने कहा कि दो हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए, एक हिंदुस्तान में अमीर और सारे अवसर प्राप्त हैं और दूसरे हिंदुस्तान में आम आदमी का संघर्ष निरंतर जारी है। उन्होंने मांग की कि हिंदुस्तान में सभी लोगों को अवसर की प्राप्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जिससे मुझे लगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का लाभ है, दो हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे पूरे अवसर प्राप्त हैं और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। मैं संघर्ष के खिलाफ नहीं, बट मैं चाहता हूं कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इंसान को अवसर की प्राप्ति की कमी ना। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए मैंने एक रुपए का भी कमीशन और रिश्वत नहीं खाया। वरुण ने पीलीभीत को घर बताते हुए कहा कि मेरे लिए पैसा पूंजी नहीं है, जनता का आशीर्वाद ही हमारी पूंजी है। मैं राजनीति में कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए आया हूँ। भ्रष्टाचार से बड़े भारत के साथ गद्दारी कोई नहीं है। जो लोग पीलीभीत के या बाकी जगह के नेता कमीशन लेते हैं, जो लोग कॉलोनियां काटते हैं बनके, जो लोग पहले मोटरसाइकिल में आते हैं, जीतने के बाद गाड़ियों के काफिले में आते हैं, वो लोग आपके बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं। वरुण गांधी, मेनका गांधी के बारे में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकता कि हमने कभी भी एक रुपए का गमन कभी किसी के साथ किया है, एक रुपए का कमीशन खाया है, एक रुपए का कोई किसी के साथ गलत किया है। मेनका गांधी को लेकर वरुण ने कहा कि कोरोना काल में बेटी की फिक्स डिपॉजिट को भी तोड़ दी। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में उपलब्ध कराए, मरीजों के लिए दवाइयों की भी व्यवस्था कराई। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कहा कि पीलीभीत की जनता को हमेशा परिवार समझता हूँ। भारत माता की जय बोलना केवल नारा बन के रह गया है। भारत माता की जय तब होगी जब देश के सपूत अपना सपना पूरा करेंगे। पीलीभीत हमारा घर ही रहेगा, यह हमारे लिए चुनाव क्षेत्र नहीं रहेगा। मैं जब इस बार जीता, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक काम करिए, घर बना लीजिए, बढ़िया घर बना लीजिए। मैंने सोचा कि जब ये पूरा ही मेरा घर है तो फिर मैं एक छोटा सा हजार गज क्यों घेरू किसी का। हम लोगों ने लड़ाई में अपने घर देश के नाम कर दिए, मेरे पिताजी ने मारुति गाड़ी को देश के नाम कर दिए, तो हम क्या घर बनाए। ये छोटा काम नहीं हो सकता। या तो हम दिलों को पे विराजें या हम ना विराजें, लेकिन जमीन घेरने का काम, कॉलोनी काटने का काम ये हमारा काम नहीं, इसके लिए और बहुत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।